दोस्तों, अगर आपको डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं इसके ब्रांड्स के बारे में, ये किस किस फॉर्म में आता है, इसका MRP क्या है, इसके कंपोजिशंस के बारे में जानना चाहते हैं, और डल्कोफ्लेक्स टैबलेट क्या होती है, इसके डोजेस क्या क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और क्या इस दवा को प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है, और क्या यह दवा किसी भी एंटा एसिड टैबलेट के साथ में इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं, इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके ब्रांड की बात करें तो ये डल्कोफ्लेक्स नाम से आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और ये दो फॉर्म में आता है, एक तो टैबलेट फॉर्म में आता है और दूसरा सपोजिटरी फॉर्म में आता है। दोस्तों, अगर इसके MRP की बात करें तो 11.25 रुपये इसकी MRP है, और अगर इसके कंपोजिशंस की बात करें तो वीसा कोड्रिल 5 mg इसमें डाला जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है, मतलब अगर आपका आपको कब्ज की समस्या हो गई है, या फिर आपका लैट्रिन अगर टाइट रहता है, आपका स्टूल अगर टाइट रहता है, आप बाथरूम जाते हैं तो आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, और आपका लैट्रिन जो है अच्छे से, आपका पेट साफ़ नहीं होता है, लैट्रिन अगर आपका साफ़ नहीं होता है, तो उस केसेस में डल्कोफ्लेक्स टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आए दिन कब्ज की समस्या बनी रहती है तो कभी कभार आप डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। दोस्तों, अगर इसके डोजेस की बात करें तो आपके कंडीशन के हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों से कब्ज की समस्या बनी रहती है तो उस केस में आप 2 टैबलेट रात को गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या रहती है तो आप 1 टैबलेट रात को सोने के टाइम पे गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं। हालांकि इसकी आदत नहीं लगती है, इसकी लत नहीं लगती है, जब भी आपको समस्या हो तो आपको ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प और स्टमक पेन, इसी तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जब इस टैबलेट को आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है, मतलब जब आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो आपका लैट्रिन जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है कभी कभार, जिसकी वजह से आपके शरीर से जो है पानी अधिक निकल जाता है। कुल मिला के कह सकते हैं आपका शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो। तो आपको इसकी आदत नहीं डालनी है, आपको जब भी समस्या हो तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या इस टैबलेट को प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है। तो जो महिलाएं हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। डल्कोफ्लेक्स टैबलेट ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी के केस में, लेकिन जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या इस टैबलेट को किसी भी एंटा एसिड दवा के साथ में लेना सही रहेगा या नहीं। अगर आप डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल किसी एंटा एसिड दवा के साथ में करते हैं तो उससे डल्कोफ्लेक्स टैबलेट की जो इफ़िकेसी होती है, जो मतलब इसका पावर होता है और जो इसके कार्य करने की क्षमता होती है आपके बॉडी में, वो डाउन हो जाती है। कुल मिला के कह सकते हैं आपको किसी भी एंटा एसिड टैबलेट के साथ में डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप किसी भी एंटा एसिड दवा के साथ में, जैसे रबीप्राजोल आता है, पेंटाप्राजोल आता है, इसमें प्राजोल आता है या रेनिटिडिन आती है, अगर इन दवाओं के साथ में आप डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो डल्कोफ्लेक्स की जो कार्य करने की क्षमता होती है आपके शरीर में, वो कम हो जाती है। क्योंकि जब आप डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्टूल को पतला करने का काम करता है, ढीला करने का काम करता है। कुछ केसेस में इस टैबलेट को महसी में भी दिया जाता है, मतलब पाइल्स के केस में भी दिया जाता है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है डल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो है
कॉन्स्टिपेशन के लिए ये इंडिया का नंबर वन ब्रांड माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।